Hello students, welcome all of you. In this video, I am Kumar, going to discuss fill in the blanks type objective questions for class 12 physics chapter 1 electric charges and fields. इस वीडियो में हम लोग fill in the blanks type ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के लिए चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का, जो कि सीबीएसई 12th बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के अलावा कुछ 12th स्टेट बोर्ड्स जैसे राजस्थान 12th स्टेट बोर्ड, एमपी मध्य प्रदेश एमपी 12th स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अब इस वीडियो को, अर्थात इस वीडियो के क्वेश्चंस को, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उसको शुरू किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 इज द एक्सप्रेशन क्यू इज इक्वल टू एनी इज ड्यू टू ब्लैंक डॉट 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 दैट इज ब्लैंक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसी ब्लैंक जगह में, खाली जगह में भरना है सुटेबल वर्ड को, जो वहाँ अप्रोप्रिएट हैं, उपयुक्त हैं। तो जो एक्सप्रेशन है क्यू इज इक्वल टू एनी, वह किसके कारण है? इज ड्यू टू द चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ, दिस इज ड्यू टू चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो खाली जगह में, ब्लैंक जगह में क्या भरना होगा? क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। द एक्सप्रेशन क्यू इज इक्वल टू एनी इज ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ भरना होगा क्वांटाइजेशन। आप सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर लिखना होगा कि वहाँ, मतलब जो ब्लैंक है, खाली जगह है, उसमें क्या भरा जाएगा, तो उसका आंसर लिखना होगा क्वांटाइजेशन। लेकिन हमने उस ब्लैंक जगह में ही उसका आंसर को लिख दिया। हम जानते हैं कि चार्ज क्वांटाइजेशन में फॉर्मूला होता है क्यू इजिकल टू एनी। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी बॉडी पर जो फंडामेंटल चार्ज स्मॉल ई होता है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, दैट इज क्यू इजिकल टू एनी। इट इज ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज चार्ज क्वांटाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए सिल्क क्लॉथ रब्ड विथ ए ग्लास रॉड हैज ए चार्ज क्यू इजिकल टू -1.6 × −19 कूलम, देन द चार्ज ऑन द ग्लास रॉड विल बी ब्लैंक दैट इज डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में कूलम है, कूलम चार्ज का यूनिट है। मतलब कितना कूलम होगा ग्लास रॉड पर चार्ज, जबकि सिल्क क्लॉथ को रब किया जाता है, रगड़ा जाता है ग्लास रॉड से, तो सिल्क क्लॉथ पर जो चार्ज डेवलप होता है, प्रोड्यूस होता है, उसका वैल्यू दिया है क्यू इजिकल टू −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम इज द चार्ज डेवलप्ड ऑन द सिल्क क्लॉथ व्हेन रब्ड विथ ए ग्लास रॉड। तो ग्लास रॉड पर कितना चार्ज होगा, यह फिल इन द ब्लैंक में भरना है खाली जगह में। तो जब सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड के साथ रब किया जाता है, तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जितना नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर प्रोड्यूस होता है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर भी प्रोड्यूस्ड होगा। इसलिए यहाँ ब्लैंक जो पार्ट है, जो खाली जगह है, उसमें क्या भरा जाएगा, कितना चार्ज होगा, ग्लास रॉड पर चार्ज होगा सिल्क क्लॉथ पर चार्ज का अपोजिट नेचर का, इक्वल अमाउंट का मैग्नीट्यूड में, लेकिन अपोजिट नेचर का। तो क्योंकि सिल्क क्लॉथ पर −1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम है, तो ग्लास रॉड पर इसका आंसर होगा, खाली जगह में लिखना होगा आंसर 1.6 × 10⁻¹⁹, और कूलम तो यूनिट चार्ज का वह तो प्रश्न में दिया ही है,
क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2 point चार्जेज ईच इक्वल टू 1 coulomb चार्ज, 1 C चार्ज एग्जर्ट ए फोर्स ब्लैंक, अब खाली जगह है डॉट 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 म्यूचुअली व्हेन दे आर प्लेस्ड 1 meter अपार्ट इन एयर। जब 2 point चार्जेज जिनका प्रत्येक का मान 1 coulomb है वह एक दूसरे पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेंगे दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेज, जब बोथ चार्जेज को दोनों चार्जेज को एयर में रखा जाता है या वैक्यूम में 1 meter डिस्टेंस पर, तो ईच चार्ज 1 coulomb चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अदर 1 coulomb चार्ज, डैट फोर्स इज 9 × 10⁻⁹ एंड दिस कम्स फ्रॉम द डिफिनीसन ऑफ 1 coulomb चार्ज, या 1 coulomb चार्ज के डिफिनीसन से या वैल्यू कूलम्स लॉ से ऑब्टेन किया जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन, n इज द सिंबल ऑफ न्यूटन। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या भरना होगा, खाली जगह में 9 × 10⁹ न्यूटन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए चार्ज कैपिटल क्यू इज इनक्लोज्ड बाय ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस कैपिटल आर, इफ़ द रेडियस इज डबल्ड, इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड देन द इलेक्ट्रिक ब्लैंक डॉट 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 है, ब्लैंक है, खाली जगह है, विल रिमेन सेम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होता है अगर कोई गॉसियन सरफेस है, सपोज किया जाए एक हॉलो स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है जिसके आउटर सरफेस पर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस उस हॉलो स्फीयर का चार्ज हॉलो चार्ज स्फीयर का कैपिटल आर है। अब अगर उसका रेडियस को डबल कर दिया जाए गॉसियन सरफेस को और वही चार्ज इनक्लोज होगा उसमें, तो चार्ज क्यों ही इनक्लोज रहे उस, अब जब साइज बढ़ गया है गॉसियन सरफेस का या चार्ज हॉलो स्फीयर का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा सेम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई चार्ज क्यू इनक्लोज्ड है किसी गॉसियन सरफेस के अंदर या किसी क्लोज सरफेस के अंदर, तो उस क्लोज सरफेस से टोटल इमर्ज करने वाला, टोटल बाहर निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह जितना चार्ज उस क्लोज सरफेस के अंदर प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम होगा। सो अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इस फॉर्मूला में कहीं उसमें रेडियस का या साइज का, उसके रेडियस का या एरिया का कहीं जिक्र इसमें नहीं है। देयरफॉर इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल्ड देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल रिमेन द सेम। तो ब्लैंक जगह में जो खाली जगह है डॉट डॉट उसमें फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स उसमें आंसर होगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड अगर उस गॉसियन सरफेस का जिसका रेडियस कैपिटल आर है उसका रेडियस डबल कर दिया जाए 2R, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइप। नाउ क्वेश्चन 5 इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, आंसर इज न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर, यहाँ न्यूटन पर कूलम लिख दिया जाए। अनदर यूनिट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज वोल्ट पर मीटर, सो बट हेयर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, कैपिटल एन सी माइनस वन। नाउ क्वेश्चन 6 इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, तो उसके बाद ब्लैंक है, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी 2 units होता है, तो यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, और सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ना है तो उससे रिलेटेड यूनिट भी होगा इसमें वोल्ट मीटर। सो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम NC-1 मीटर स्क्वायर, और सेकेंड यूनिट इज वोल्ट मीटर VM।
लेकिन फर्स्ट चैप्टर का जहाँ तक सवाल है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके अनुसार यूनिट इसमें न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। वैसे वोल्ट मीटर भी लिखा जाएगा, वोल्ट मीटर, वह गलत आंसर नहीं होगा, उसमें भी मार्किंग होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए ब्लैंक है, उसके बाद डॉट डॉट क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, आंसर इज स्केलर, स्केलर आंसर इसका लिखना होगा, हमने ब्लैंक जगह में ही स्केलर लिख दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर और इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज, उसके बाद ब्लैंक है डॉट डॉट डॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर और ए चार्ज कंडक्टर इज जीरो। होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, जिसे हम लोगों ने क्लास 12 में एप्लीकेशन, वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज होलो स्फीयर, तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसका आउटसाइड पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इजिकल टू 1/4 pi epsilon naught q by r square, सरफेस पर भी होता है, लेकिन अंदर में इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, हम लोगों ने पढ़ा भी है, तो यहाँ आंसर होगा जीरो। क्वेश्चन 8 में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए होलो चार्ज स्फीयर इज जीरो, ब्लैंक जगह में, खाली जगह में जीरो आंसर लिखना होगा। नाउ क्वेश्चन 9, टू पॉइंट चार्जेज आर सेपरेटेड बाई सम डिस्टेंस इनसाइड वैक्यूम व्हेन अ स्पेस बिटवीन द चार्जेज इज फिल्ड बाई सम डाइइलेक्ट्रिक, द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज, उसके बाद ब्लैंक है डॉट डॉट डॉट। दो पॉइंट चार्जेज है जब वैक्यूम में रखा गया है कुछ डिस्टेंस पर वैक्यूम में, लेकिन अब जो स्पेस है दोनों चार्जेज के बीच में, उसको किसी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम से डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दिया जाता है। तो पहले क्या था, पहले दोनों चार्जेज था वैक्यूम में, अब बोथ चार्जेज के बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है, तो फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज डिक्रीजेज, ब्लैंक की जगह में डिक्रीजेज होगा, क्योंकि हम जानते हैं एफ एम इजकल टू एफ ए बाई एफ ए और एफ बी बाई के, के इज द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो कोई भी डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट रख देंगे, जैसे वाटर रख देंगे, तो वाटर का डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के का वैल्यू 80 होता है, तो वाटर में जो बोथ चार्जेस के बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा एफ डब्ल्यू, वह जो वैक्यूम में फोर्स है एफ वी अपॉन के, माने एफ वी बाई 80 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एफ वी बाई 80 का मतलब है कि डिनोमिनेटर में बढ़ गया, डिनोमिनेटर का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गया, तो न्यूमिनेटर का वैल्यू क्या होगा, घटेगा। तो मैंने अर्थात कहने का अर्थ हुआ कि दोनों चार्जेस के बीच, बोथ चार्जेस के बीच में जब वैक्यूम के जगह कोई दूसरा माध्यम रख दिया जाए, जैसे कि वाटर ही है या सम अदर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि बोथ चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। बिकॉज द फार्मूला इज एफ एम, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन ए मीडियम इज एफ वी, माने फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन वैक्यूम अपॉन के, के इज द डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, फॉर वाटर के इज 80, तो यहाँ डिक्रीजेज होगा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज डिक्रीजेज, फिल इन द ब्लैंक जो खाली जगह है उसमें डिक्रीजेज, इसका आंसर डिक्रीजेज होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इंटरनल रेडियस स्मॉल आर एंड आउटर रेडियस 2r, द रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेस टू दैट ऑफ द आउटर सरफेस विल बी। एक पॉइंट चार्ज है, सपोज किया जाए क्यू इज द पॉइंट चार्ज, और उसे किसी होलो चार्ज स्फीयर के सेंटर पर, मैंने होलो स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है चार्ज को, पॉइंट चार्ज को सपोज किया जाए पॉइंट चार्ज क्यू है और उसे होलो कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है, और उस होलो स्फीयर का इंटरनल रेडियस अंदर की त्रिज्या जो है, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर है, एंड एक्सटर्नल रेडियस आउटर रेडियस जो बाहरी त्रिज्या है रेडियस, वह 2r है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस पर होलो स्फीयर के
और आउटर सरफेस पर क्या रेशियो होगा। तो चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो जब इनर रेडियस वाले जिसका रेडियस कितना है, इनर रेडियस स्मॉल आर है, तो उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा इनर सरफेस के लिए, चार्ज क्यू अपॉन एरिया 4πr² स्फेयर है तो स्फेयर का एरिया 4πr² हो जाएगा। और आउटर सरफेस, जो आउटर सरफेस है उसका रेडियस कितना है 2r है, तो उस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा चार्ज अपॉन एरिया। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं किससे, सिंबल सिग्मा से। तो सिग्मा जो होगा इनर के लिए, इनर सरफेस जो स्फेयर जो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर है तो उसके इनर सरफेस पर जिसका रेडियस स्मॉल आर है, तो उस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा सिग्मा इनर सिग्मा आई एन अपॉन जो आउटर सरफेस स्फेयर का होलो स्फेयर का जिसका रेडियस 2r है, तो सिग्मा आउट लिखते हैं, आउट का मतलब आउटर और आई एन का मतलब इनर। तो सिग्मा आई एन अपॉन सिग्मा आउटर सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर इनर सरफेस सिग्मा आई एन एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द स्फेयर होलो स्फेयर फॉर इस आउटर सरफेस इज सिग्मा आउट। सो इट इज सिग्मा इन इज क्यू, सपोज क्यू इज द चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर, शुरू में ही हमने सपोज किया, तो क्यू अपॉन सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इनर सरफेस का, इनर सरफेस जिसका रेडियस आर है उसके स्फेयर का, स्फेयर तो एक ही है लेकिन उसका इनर रेडियस आर है, तो उसका इनर रेडियस आर है तो एरिया कितना हो जाएगा, इनर एरिया उसका स्फेयर का 4πr² और आउटर वाले का, आउटर सरफेस के लिए स्फेयर का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आउटर इजकल टू क्यू अपॉन, चार्ज तो वही है जो सेंटर पर है क्यू रखा गया है पॉइंट चार्ज, अपॉन 4π और r की जगह क्या हो गया 2r², रेडियस क्या है चार्ज होलो स्फेयर का, आउटर सरफेस का रेडियस डबल है 2r है, तो यहाँ क्यू अपॉन क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, 4π से 4π कैंसिल हो गया, अब यहाँ पर क्या बचेगा 1r², वो भी कैंसिल होगा अपॉन 1/4r², 2r² रेडियस डबल करने पर, चूँकि रेडियस डबल है उसका आउटर होलो स्फेयर के आउटर सरफेस का स्फेरिकल सरफेस का, तो 2r लिखा तो 2r² 4r², अब r² से r² कैंसिल हो गया, 4 न्यूमरेटर में चला जाएगा 4, तो 4/1 हो जाएगा, मतलब होलो चार्ज स्फेयर के इनर सरफेस तथा आउटर सरफेस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो कितना हो गया 4/1, डैट इज 4:1, डैट इज सिग्मा आई एन रेशियो ले लिया जाए इज टू सिग्मा आउटर सिग्मा इनर इज टू सिग्मा आउटर इजकल टू 4/1 और 4:1। तो यहाँ क्या भरा जाएगा, ब्लैंक जो पार्ट है इसमें, इस क्वेश्चन का जो खाली जगह है उसमें भरा जाएगा 4:1, 4/1 या 4:1। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नाउ दिस वीडियो इज कंक्लूडेड, यह वीडियो समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वांटम क्लासेस को भी अधिक से अधिक नंबर्स में सब्सक्राइब करें, जो कि किसी भी यूट्यूब चैनल के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, सब्सक्रिप्शन एंड व्यूज और लाइक्स। थैंक यू वेरी मच।